हाय फ्रेंड, दिस इज फाद खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फाद खान वीडियोस। और फ्रेंड, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल लोगों के मुंह पे एक ही नाम चढ़ा हुआ है और वो है मलाला यूसुफ़ज़ई का। मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो है अपने हालिया जो है स्पीच के अंदर कहा है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई कपल जो है आपस में मोहब्बत करते हैं तो उनको जो है निकाह की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही जो है लाइफ जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो निकाह की अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने, निकाह की कोई जो है अहमियत ही नहीं रही है, तार तार कर दी निकाह की अहमियत को उन्होंने, तार तार कर दिया है। और इसी वजह से जो है पाकिस्तानी आवाम के जो दिलों में जो है उनके लिए बहुत गम गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने जो है अपना इमेज जो है बिल्कुल दो कौड़ी का कर लिया है, और जिसकी वजह से जो है मतलब जो लोगों के दिलों से बिल्कुल उतर गई हैं और पाकिस्तान का इमेज भी उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिया है। उनको चाहिए कि वो लोगों से माफ़ी मांगें और अपना जो है इमेज बहाल करें। और जो है मेरा उनसे एक सवाल है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, क्या उन्होंने निकाह नहीं किया था? क्या वो जो है ऐसे ही उनका जो है दुनिया में वजूद हो गया और वो जो है आ गई हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं? क्या उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऐसी ताल्लुकात कायम कर लिए थे जिसकी बिना पर वो आज आकर ऐसी बातें कर रही हैं लोगों के सामने, और लोग जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, कितने लोगों को गालियाँ दे रहे हैं इस बात पर कि उन्होंने जो है निकाह की अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, निकाह जैसे पाक रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और वो चाहती हैं कि लोग जो हैं मतलब ऐसे ही जो है लाइफ स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करते रहें और जो है जिनसी ताल्लुकात बनाते रहें। तो उनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने जो है बहुत गलत बात की है। और मेरा जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है पाकिस्तानी आवाम से माफ़ी मांगें और अपना इमेज जो है बहाल करें और पाकिस्तान का इमेज जो है वो भी बहाल करें। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फाद खान वीडियोज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।